Hello students, welcome to the 6th class on economic survey, and in this class I will be dealing with the chapter climate, climatic change and agriculture. Now this is very important analysis that has been done in this chapter. So first of all, like I have done with all the chapters, I will be just summarizing what all we will be understanding and analyzing in this very chapter. तो क्या चीजें हैं इस चैप्टर में? प्राइमरली दिस चैप्टर डील्स विद एग्रीकल्चर. एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट दिस चैप्टर डील्स विद. सेकेंडली दिस चैप्टर डील्स विद अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, दैट इज द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एग्रीकल्चर. Now thirdly, this chapter also deals with a very important thing, that is why we should be having India's own research done in the domain of climatic change. And fourthly, this chapter deals with ki agriculture ke upar extreme क्लाइमेटिक कंडीशंस का क्या इफेक्ट पड़ता है. तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो अब इसमें डील करेंगे. अगर बेसिकली इस चैप्टर को देखा जाए, इट इज अबाउट एग्रीकल्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इंडिया, उसके ऊपर क्लाइमेट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है और इंडिया का खुद का रिसर्च क्यों होना चाहिए इस डोमेन में. प्लस एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक चेंज का एग्रीकल्चर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, मींस काफी एस्पेक्ट्स हैं. तो जनरल चीज है क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, बट काफी हैं जो इश्यूज, जो एस्पेक्ट्स हैं जो हम डील करेंगे इस चैप्टर में इंपैक्ट वाले एस्पेक्ट के ऊपर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी स्टार्टिंग विद एग्रीकल्चर इन इंडिया. नाउ व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर इन इंडिया, अबाउट 49% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर. तो बहुत बड़ा फिगर है 49% जो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है. नाउ बिकॉज दिस 49% इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर एंड दिस एम्प्लॉयमेंट इज इन 2017 एंड 2018, तो ये हमारा आज का फिगर है. बट आने वाले 30 साल के बाद, 32 साल के बाद ये क्या चेंज होने वाला है एग्रीकल्चर में, चेंजेस क्या आने वाले हैं? सिर्फ 20% लोग होंगे जो 2050 में एग्रीकल्चर एज अ ऑक्यूपेशन को परस्यू करेंगे. एंड सेकेंडली, इंडिया का अगर हम पॉपुलेशन देखें, इंडिया का पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है एंड बाय 2050 इंडिया विल बी अमंग द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. 2030 में हम चाइना को क्रॉस कर जाएंगे, उसके बाद में भी, क्योंकि बेस बहुत बड़ा है, ग्रोथ रेट कम हो गया पॉपुलेशन का, बट डिस्पाइट दैट वी विल बी टचिंग अ वेरी हाई नंबर विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन, बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. सो वी नीड लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन दिस डोमेन ऑफ एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर हमारा बहुत ज्यादा डेवलप नहीं रहा. तीन फेजेस रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडिया. अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले का ग्रोथ रेट देखते हैं, तो सिर्फ 2.5% से हमारा एग्रीकल्चर ग्रो किया है. ग्रीन रेवोल्यूशन से 2004 तक हम 3% से एग्रीकल्चर हमारा ग्रो किया. आफ्टर 2004 एग्रीकल्चर इज ग्रोन अबाउट 3.5%. सो अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखते हैं, तो एग्रीकल्चर जो स्फीयर है, इट्स नाइदर प्रोडक्टिव, क्योंकि एग्रीकल्चर एक प्रोडक्टिव स्फीयर नहीं है. हमारा मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, जो यहां से 30% हटेगा एग्रीकल्चर सेक्टर से, हमें उसको एम्प्लॉय करना है प्रोडक्टिव डोमेन में, क्योंकि एग्रीकल्चर इज नॉट दैट प्रोडक्टिव. और वो उस प्रोडक्टिव डोमेन में तभी हम उसको एम्प्लॉय कर पाएंगे जब जो 30% लोग यहां से निकल के आएंगे उनके पास सफिशियंट पैसा होगा. दे विल हैव अ सफिशियंट मनी, एंड सफिशियंट मनी के लिए हमें एग्रीकल्चर को ही बहुत प्रोडक्टिवली रन करना पड़ेगा. एंड ऑल दीज ईयर्स जब इंडिया का 2.5% था, तो चाइना का 4% से ग्रो कर रहा था. आज की डेट में भी अगर चाइना का हम हिसाब किताब लगाते हैं, 5% से
उनका एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा है, जब हमारा 3% था तो उनका 4.5% था। तो हमेशा 1.5% का गैप रहा है बिटवीन द ग्रोथ ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर विद दैट ऑफ द चाइनाज ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर। नाउ बिकॉज इंडियन एग्रीकल्चर इट इज डिपेंडेंट अपॉन द वेगरीज ऑफ द मानसून, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो इंपैक्ट है क्लाइमेटिक चेंज का बहुत बड़ा है इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर, बिकॉज हमारा एग्रीकल्चर इट इज डिपेंडेंट अपॉन लॉट ऑफ पैरामीटर्स ऑफ क्लाइमेट। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट है, मॉइस्चर इन द एयर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जितने भी हमारे पास पैरामीटर्स हैं क्लाइमेट के, उनका एनालिसिस होना विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट, विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर बहुत जरूरी है। अगर हमें ये सब नहीं पता लगेगा कि टेम्परेचर कैसे इंपैक्ट करेगा एग्रीकल्चर को, रेनफॉल कैसे इंपैक्ट करेगा एग्रीकल्चर को, इंडिया के परस्पेक्टिव में वी विल नॉट बी एबल टू डिजाइन बेटर पॉलिसीज। सो दिस चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, दैट इज द सिक्स्थ चैप्टर, इट इज फोकसिंग ऑन दैट द सुई जेनरस रिसर्च शुड बी डन इन इंडिया, कि हिंदुस्तान में के बीच से एक रिसर्च होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एग्रीकल्चर। अभी हमारे पास जितना भी रिसर्च का डाटा है सब फॉरेन से अवेलेबल डाटा है। हिंदुस्तान का खुद का हम डेवलपमेंट रिसर्च ओरिएंटेशन से हमने कभी भी एग्रीकल्चर को स्टडी नहीं किया है, एंड जितना भी फॉरेन डाटा अवेलेबल है हमारे पास जो वो रिजल्ट बता रहा है हमें कि किस तरह से इंपैक्ट करेगा एग्रीकल्चर के ऊपर, वी कैन नॉट यूज दैट डाटा फॉर पॉलिसी मेकिंग। सो अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें बहुत अच्छा एनालिसिस चाहिए, और ग्रेनुलर एनालिसिस चाहिए, बहुत ब्रीक एनालिसिस चाहिए। कोर्सर एनालिसिस नहीं काम करेगा, क्योंकि जितना भी फॉरेन से रिसर्च हो रहा है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज अगर हम देखते हैं, UNFCCC, जितना भी वो डाटा बताते हैं हिंदुस्तान का इंपैक्ट कैसे करेगा, वो एक जनरलाइज डाटा है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टेशंस हैं, वेदर स्टेशंस हैं, उनसे वो डाटा कलेक्ट करके नहीं दे रहे हैं। अगर हम हिंदुस्तान में के भीतर से रिसर्च करेंगे एग्रीकल्चर के ऊपर, तो हमें हमारे पास बहुत सोफिस्टिकेटेड डाटा अवेलेबिलिटी होगा, हमें पता लगेगा कि किस एरिया में क्लाइमेटिक चेंज इंपैक्ट कर रहा है, किस पैरामीटर को क्लाइमेटिक चेंज इंपैक्ट कर रहा है, टेम्परेचर को कर रहा है, रेनफॉल को कर रहा है, मॉइस्चर को कर रहा है, और उसका इंपैक्ट एग्रीकल्चर के ऊपर किस तरह आ रहा है। ये हमें तभी पता चलेगा जब हमारा खुद का R&D हम करेंगे, क्योंकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास 200 प्लस स्टेशन से डाटा कलेक्ट हो सकता है फॉर टेम्परेचर, एंड मोर देन 1000 स्टेशन से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं फॉर प्रेसिपिटेशन। तो जो हमारा एनालिसिस होगा वो बहुत फाइन एंड ग्रेनुलर एनालिसिस होगा, इट विल नॉट बी ए जनरलाइज्ड एनालिसिस नहीं रहेगा वो वाला। नाउ प्रेजेंटली जितना भी इकोनॉमिक सर्वे में एनालिसिस किया गया फ्रॉम द इंडियन डाटा, दैट इज समथिंग दैट आई विल बी डिस्कसिंग विद यू। अभी दो इंपॉर्टेंट चीजें आई हैं इकोनॉमिक सर्वे में। पहला, अगर हमारा क्लाइमेटिक चेंज जो हो रहा है वो एक्सट्रीम नहीं है, अगर हमारे पास एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस नहीं बन रहे हैं, एक्सट्रीम रेनफॉल में फ्लक्चुएशंस नहीं है, बहुत कम बारिश नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश नहीं हो रही है, इन दैट केस अगर एक्सट्रीम नहीं है तो उसका नेग्लिजिबल एंड जीरो इंपैक्ट पड़ता है प्रोडक्टिविटी के ऊपर, जितना एनालिसिस किया गया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डाटा के अकॉर्डिंग। एंड सेकेंडली, जब एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस रहते हैं तो वो जो खरीफ सीजन है हमारे पास, गर्मी वाला सीजन है प्लस रबी सीजन है, उसमें जो इंपैक्ट है अलग अलग तरह का इंपैक्ट रहता है। अब 1%, 1 degree Celsius टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है, दैट एक्चुअली रिजल्ट्स इन द फॉल ऑफ 6% ऑफ द खरीफ यील्ड, और रबी का लगभग 4% वो डिक्लाइन कर देता है, 4% देयर इज अ डिक्लाइन इन द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, ओवरऑल यील्ड ऑफ द रबी क्रॉप्स। नाउ वी हैव सम क्रॉप्स दैट आर मोर ससेप्टेबल टू द फ्लक्चुएशन इन द टेम्परेचर एंड टू द फ्लक्चुएशन इन द प्रेसिपिटेशन, दैट इज रेनफॉल।
Now this is very important. Now with respect to the fluctuations in the temperature, 1 degree temperature se 6% hoga, and rainfall mein agar 100 mm rainfall kam reh raha hai, in that case it will have the fluctuation effect of 15% in the total yield, in the total productivity of the kharif crops, and it will be in the range of 7.5% for the rabi crops. So rabi jo crop hai unka jo total yield hai 7% kam ho jayega aur 15% kam ho jayega kharif agar 100 mm hamara kam hai rainfall. Now ek aur important analysis hai ki jo climatic changes aa rahe hain, like I have told you temperature ki wajah se aa rahe hain ya rainfall ki wajah se fluctuation ho raha hai, ye jo fluctuation ho raha hai ye different jagah mein alag alag jagah mein alag alag tarah ka hai. Now what it means, agar tum irrigated areas mein le rahe hain to irrigated areas mein jo fluctuation hai wo kam hai relatively to the unirrigated area. अभी ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तान में इरिगेटेड एरिया कितना है और अनइरिगेटेड एरिया कितना है. अगर टोटल देखा जाए तो 141 मिलियन हेक्टेयर हमारे पास टोटल नेट सोन एरिया है, इसमें से टेंटेटिवली 73.2 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो हमारे पास है वो रेनफेड एरिया है जो इरिगेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, जहां पे इरिगेशन नहीं है रेनफेड एरिया है. और जहां पे है हमारे पास टेंटेटिवली हमारे पास एरिया जहां पे इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है वो सिर्फ 70 मिलियन हेक्टेयर है. तो लगभग आधा एरिया हिंदुस्तान का जो आधा क्रॉप्स है वो इरिगेशन फैसिलिटी वहां पे नहीं, मींस पानी का सुविधा वहां पे नहीं है, पानी वहां पे खेतों को नहीं मिल रहा है. पानी खेतों को नहीं मिलेगा तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. तो जो इंपैक्ट है क्लाइमेट चेंज का वो अनइरिगेटेड एरियाज में बहुत ज्यादा है, और ये अनइरिगेटेड एरियाज में एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में चेंजेस आते हैं. थोड़ा बहुत चेंज रहेगा क्लाइमेटिक कंडीशंस में 5-10%, दैट विल नॉट इंपैक्ट द प्रोडक्टिविटी. मींस लीनियर नहीं है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा चेंज हुआ क्लाइमेट में और प्रोडक्टिविटी में थोड़ा सा चेंज हो गया. नॉन लीनियर इंपैक्ट है क्लाइमेटिक चेंज का. Now another very important thing about this is, जब एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है तो फार्मर का जो इनकम है उसको कितना इंपैक्ट करता है. इट इंपैक्ट्स अबाउट 6% ऑफ द फार्म्स इनकम इज इंपैक्टेड ड्यूरिंग द खरीफ सीजन एंड 5% ड्यूरिंग द रबी सीजन. तो इतना इंपैक्ट है फार्म की इनकम को भी चेंज कर रहा है क्लाइमेटिक चेंज. अभी हम इससे कैसे फाइट कर सकते हैं, लाइक आई हैव टोल्ड यू जो अनइरिगेटेड एरियाज है मैक्सिमम इंपैक्ट वहां पे पड़ता है, जो इरिगेटेड एरियाज है सबसे कम इंपैक्ट क्लाइमेटिक चेंज का वहां पे है. सो वी नीड टू एक्चुअली इंटेंसिफाई द इरिगेशन पोटेंशियल ऑफ इंडिया एंड वी शुड ऑल्सो बी यूटिलाइजिंग दैट पोटेंशियल. उस पोटेंशियल को हमें यूटिलाइज करना है, लाइक कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसी स्कीम्स है हमारे पास, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी स्कीम है, हर खेत को पानी जैसी स्कीम है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसी स्कीम्स हैं. ये वो जो स्कीम्स हैं जो बहुत अच्छे से यूटिलाइज करनी पड़ेंगी. और अगर हम एग्रीकल्चर को बहुत अच्छे से एनवलप कर पाए फ्रॉम, अगर इसको प्रोटेक्ट कर पाए हम क्लाइमेटिक चेंज से, इट विल ऑल्सो हेल्प इन द कन्वर्जेंस प्रोसेस जो लास्ट 5th क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है. सो प्रेजेंटली ये सब कुछ एग्रीकल्चर को इंपैक्ट कर रहा है और प्रोडक्टिविटी को इंपैक्ट कर रहा है. तो किस तरह प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है एग्रीकल्चर का, दिस इज समथिंग दैट आई हैव ऑल डिस्कस्ड इन ऑल दीज लेक्चर्स. नाउ यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, नेम ऑफ द चैनल इज ब्रेनी आईएएस. नाउ इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी विद रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट 84594000. सो दिस वॉज ऑल फॉर द डे. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.